अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम मोहम्मद शुएब और आपको निज़ाम शिफा खाना यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन कर लें, क्योंकि मैं ऐसी मालूमाती वीडियोस लाता रहता हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। व्यूअर्स, जो जिस चीज़ का आज मैं हमारा जो टॉपिक है वो है पुदीना, जो कि हमारे घरों में गर्मियों में बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होता है और आम पूरा साल जो है ये इस्तेमाल होता है पुदीना। पुदीना जो है बेसिकली जो पुदीना ये यूरोप में हुआ करता था, जो कि बाद में बरसगीर पाको हिंद में इसकी काश्त शुरू हुई। ये पुदीना जो है आम तौर पर ये मैदे के अमराज में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान में शरबत पुदीना और बहुत सारे ऐसे शरबत इस नाम से हैं, पता नहीं वो शरबत में पुदीना डालते हैं या नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे शरबत मार्केट में मौजूद हैं जिसमें पुदीना जो है वो उसका सत डाला जाता है, यानी सत पुदीना उसमें इस्तेमाल होता है, या डायरेक्ट पुदीने से वो बनाते होंगे, क्या तरीक़ाकार उनका होगा वो किस तरह ये बनाते हैं, लेकिन जो पुदीना है वो उसको एज आ जड़ी बूटी, एज आ यानी बतौर बहसियत जड़ी बूटी तिब में इस्तेमाल होता है ये। और हर 100 ग्राम पुदीना में ये दर्ज ज़ैल गज़ाइत पाई जाती है। आपको मैं बताने लगा, इसमें जो पुदीना होता है वो उसमें गज़ाइत वो है 50% है इसमें, ठीक है, नमी इसकी, इसमें नमी जो है 50% है, प्रोटीन इसमें 4.5% है, रोगन इसमें 0.1% है, नमकियात इसमें 2% है, रेशा फाइबर यानी 0.6% है, निशास्ता इसमें 5.5% होता है। पुदीना में कैल्शियम जो है वो 200 मिलीग्राम, फास्फोरस जो है वो 65 मिलीग्राम, इसमें आयरन जो है वो 15.5 मिलीग्राम होता है, और विटामिन सी जो है वो 27 मिलीग्राम, इसमें विटामिन बी और ई भी पाया जाता है, वो थोड़ी मकदार में पाया जाता है, और ताकत इसकी जो है 45 कैलोरीज बनती हैं इसकी। पुदीना की जो खुशबू है वो बड़ी खुशगवार होती है, पुदीने की बड़ी खुशगवार खुशबू होती है जो कि अच्छी महसूस होती है, भली महसूस होती है। अच्छा, ये बदहजमी की मेन जो है बदहजमी के लिए मेन ये इस्तेमाल होती है आमतौर पे, इसको पुदीने की चटनी भी बनती है, दही में डाल के गर्मियों में आम इस्तेमाल होती है, और जो है इसको जो पुदीना है ये मर्दों में सोजाक के अलामत को दूर करने के लिए पुदीना इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। बुखार में, हिचकी में ये बेहतरीन है, पेट के तमाम अमराज में ये बेहतरीन है। पुदीने की चाय बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल की जाए तो ये अमराज मैदा में बेहतरीन। सर दर्द दूर करने के लिए पुदीने को पीसकर माथे पर लगाएं तो सर का दर्द दूर हो जाता है। पुदीने का तेल भी माथे पर लगाने से फ़ायदा होता है, और हाई ब्लड प्रेशर में भी ये फ़ायदेमंद है, खून की नालियों को पुदीना जो है वो खोलता है। और व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये पुदीना के बारे में वीडियो जो है मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।